बिहार में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना से बचाव के सरकारी उपाय को लेकर नीतीश सरकार विरोधियों के निशाने पर लगातार आ रही है। सरकार का बचाव सत्ताधारी दल के नेता और प्रवक्ता पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, लेकिन आखिर बचाव करे भी तो कब तक। लिहाजा विभागीय नाकामी का ठिकड़ा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के माथे फूटा, और ऐसा फूटा कि सीएम ने उनको सुधर जाने तक का अल्टीमेटम दे दिया है। स्वास्थ्य विभाग के लचर रवैये को लेकर नीतीश कुमार का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब कैबिनेट की बैठक के बाद वो बाढ़ और कोरोना को लेकर राज्य के हालात जानना चाह रहे थे। इसी दौरान नीतीश के निशाने पर आ गए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उमेश सिंह कुमावत। सीएम ने उनसे वर्तमान हालात की जानकारी ली। जब कुमावत जवाब दे रहे थे तभी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रधान सचिव के बारे में शिकायत करते हुए कहा है कि प्रधान सचिव मेरी बात नहीं सुनते हैं और विभाग में केवल अपनी मनमानी करते हैं। यह सुनना था कि सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कड़े लहजे में अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आरटीपीसी टेस्ट 20,000 प्रतिदिन नहीं हुआ तो आप पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, आपसे यह विभाग नहीं संभलता तो छोड़ दीजिए। सीएम नीतीश यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अनुमंडल स्तर पर हॉस्पिटल में 100 बेड की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही साथ हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए। सीएम ने इसके साथ ही कहा है कि जिला के मरीजों का उनके जिलों में ही इलाज हो, साथ ही पटना के हॉस्पिटलों पर अतिरिक्त बोझ नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। नीतीश कुमार स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली से इतने नाराज थे कि उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में रोज 38,000 जांच हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछले 14 साल में मेरे सामने ऐसे परिस्थिति नहीं आई। नीतीश ने चेतावनी देते हुए कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की जल्द ही रिव्यू मीटिंग करेंगे और गड़बड़ी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। दरअसल सीएम नीतीश का गुस्सा होना भी लाजमी है, क्योंकि बिहार में कोरोना तेजी से अपना पांव फैलाता जा रहा है, जिसकी वजह से विरोधी चुनावी साल में मुद्दा बनाकर सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं और रोजाना फोटो या वीडियो जारी करके सरकार की नाकामी को चुनावी साल में वोट के माध्यम से भुनाना चाहते हैं। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। शुक्रिया।